नहीं है। बहनों भाइयों नमस्कार, मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। आदरणीय बहनों भाइयों, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष के व्रत और त्योहारों की श्रृंखला में आगामी 30 मई को एकादशी का व्रत होगा। बहनों भाइयों, ये व्रत पूरे वर्ष के सभी महीनों के शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों में किया जाता है और दोनों का फल भी समान होता है। जिस प्रकार शिव और विष्णु ये दोनों आराध्य हैं, उसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशी महत्वपूर्ण होती है। बहनों भाइयों, पुत्रवान गृहस्थ जो हैं, ये ध्यान देकर के सुनिएगा, पुत्रवान गृहस्थ ये शुक्ल पक्ष की एकादशी और जो वानप्रस्थी हैं, सन्यासी हैं और जो विधवा महिलाएं हैं, इनको दोनों का व्रत करना चाहिए। पुत्रवान जो गृहस्थ हैं उनको शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत रहना चाहिए और बाकी लोगों को दोनों पक्षों का व्रत रहना चाहिए तो उत्तम होता है। इसमें शैव और वैष्णव का कोई भेद नहीं माना जाता है। इस व्रत को शैव वैष्णव और सौर सभी करते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार 6 एकादशी ये निषिद्ध मानी जाती है। बहनों भाइयों, एकादशी के कई नाम हैं, कई तरह की होती हैं। उन्मीलनी, वंजुली, त्रिस्पर्शा, पक्षवर्धनी, जया, विजया, जयंती और पापनाशिनी, ये 8 भेद एकादशी के हैं। इनमें जो त्रिस्पर्शा यानी सूर्योदय में एकादशी, उसके बाद द्वादशी और दूसरे सूर्योदय में त्रयोदशी हो तो वो महाफल प्रदान करने वाली मानी जाती है। एकादशी का व्रत यदि निष्काम भाव से किया जाता है तो नित्य और धन पुत्रादि की प्राप्ति की कामना से किया जाता है अथवा रोग दोषादि की निवृत्ति की कामना से किया जाता है तो वो काम में एकादशी का व्रत कहलाता है। नित्य एकादशी व्रत में मलमास या शुक्र गुरु ये अगर अस्त होते हैं तो इनकी मनाही नहीं मानी जाती है, किंतु कामना वाले एकादशी व्रत में शुभ समय होने की बड़ी आवश्यकता होती है। बाकी व्रत विधि सकाम और निष्काम ये दोनों व्रतों की एक सी होती है। यदि किसी कारण से नित्य व्रत करने की सामर्थ्य ना हो तो एक भुक्त व्रत रहा जा सकता है, यानी दिन में एक बार भोजन किया जा सकता है। नक्त व्रत रखा जा सकता है, रात्रि में एक बार भोजन किया जा सकता है। आयाचित व्रत, आयाचित व्रत किसको कहते हैं, जो व्रत जैसे आप किसी से भोजन ना मांगें और जो मिल जाए उसको खा लें तो ये आयाचित व्रत होता है। दिन 6 सूर्य संक्रांति, सूर्य चंद्र ग्रहण हो रहा हो तो ऐसे में व्रत करना वर्जित होता है। फिर भी नित्य व्रत में फल आदि लिए जा सकते हैं और नित्य व्रत किए जा सकते हैं। अगर श्राद्ध पड़ जाए तो श्राद्ध और उपवास ये दोनों किए जाते हैं, लेकिन श्राद्धीय जो भोजन होता है उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए बल्कि सूंघ लेना चाहिए, फिर उसे गौ को खिला करके स्वयं उपवास रखना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन व्रत का पारण किया जाना चाहिए। बहनों भाइयों, एकादशी का व्रत करने वाले को चाहिए कि प्रथम व्रत की शुरुआत मलमास अगर हो तो उसमें नहीं करना चाहिए। गुरु शुक्र उदय होना चाहिए। चैत्र, बैसाख, माघ या मार्गशीर्ष जिसको हम अगहन कहते हैं कि एकादशी से ही व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। श्रद्धा भक्ति और सदाचार पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इन दिनों कांस्य पात्र, मसूर, चना, मिथ्या भाषण यानी असत्य भाषण, साक, शहद, तैल, मैथुन, द्यूत इन दोषों से बचना चाहिए। दशमी की रात में ही एकादशी व्रत का स्मरण करना चाहिए। एकादशी को प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त हों और संकल्प करके श्रद्धा भक्ति और विधि विधान सहित भगवान का पूजन करना चाहिए। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि पंचोपचार पूजन करते हुए भगवान को निवेदित करना चाहिए। भगवान की आरती करनी चाहिए। दिन भर भगवान के भजन स्तोत्र
इत्यादि का पाठ करना चाहिए। इस प्रकार बहनों भाइयों, भगवान की सेवा और स्मरण में दिन व्यतीत करते हुए रात्रि में कथा वार्ता सत्संग स्तोत्र इनका पाठ करते हुए जागरण करना चाहिए। फिर द्वादशी को एक बार पुनः भगवान का पूजन करके व्रत का पारण करना चाहिए, जहाँ तक जब तक सामर्थ्य हो बहनों भाइयों तब तक इस व्रत को करना चाहिए, और जब सामर्थ्य न रह जाए तो उद्यापन कर देना चाहिए। घी तिल खीर और मेवा आदि से उद्यापन में हवन करना चाहिए। दूसरे दिन द्वादशी को प्रातः स्नान आदि करके गोदान अन्नदान शैयादान जो भी आप कर सकते हो करके ब्राह्मण भोजन करा करके स्वयं भोजन करना चाहिए। बहनों भाइयों, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का नाम अपरा है, इसके व्रत से समस्त पाप धुल जाते हैं। आप डॉक्टर या वैद्य हैं तो गरीबों का इलाज फ्री करें, विद्वान हैं शिक्षित हैं तो अनाथ बच्चों को पढ़ाएं, उनको सहारा दें, अगर धनी हैं तो गरीबों की मदद करें, सबल हैं बाहुबली हैं तो निर्मलों के कष्टों को दूर करें, उन्हें उनकी मदद करें, उनकी आपत्ति में रक्षा करें। ऐसा न करेंगे तो शास्त्रानुसार दोष लगता है, पाप लगता है, इससे बचना चाहिए और एकादशी का व्रत करना चाहिए तो निष्पाप हो धर्मवान होंगे, और यही धर्म बुरे वक्त में आपकी सहायता करता है। कहा गया है धर्म और रक्षति रक्षता, अर्थात धर्म ही आपकी रक्षा करता है। ईश्वर की कृपा आपको मिलेगी, अवश्य मिलेगी, और अनंत कृपा आपको मिलेगी। बहनों भाइयों, 31 मई को शुक्ल 31 मई को शुक्रवार का दिन है और ये कृष्ण पक्ष का प्रदोष है। यह व्रत शिव जी की प्रसन्नता और उनके और अपने प्रभुत्व की वृद्धि के लिए, प्राप्ति के लिए प्रत्येक महीने के शुक्ल और कृष्ण पक्ष को ये प्रदोष का व्रत किया जाता है। जो मनुष्य प्रदोष काल यानी सायंकाल के समय भगवान शिव जी के चरण कमल का ध्यान करते हुए अनन्य भाव से भगवान शिव के चरण कमलों का आश्रय लेता है, उसके धन धान्य स्त्री पुत्र बंधु बांधव और सुख संपत्ति सदैव इनकी वृद्धि होती रहती है। यदि कृष्ण पक्ष में शनिवार हो तो उस प्रदोष को बहनों भाइयों बहुत महत्व होता है। यदि कृष्ण पक्ष में सोमवार हो और शुक्ल पक्ष में शनिवार हो, ध्यान रखें, तो उस प्रदोष का बहुत महत्व होता है। संतान के लिए शनि प्रदोष, ऋण मोचन के लिए भौम प्रदोष, शांति स्थापना के लिए और कलह निवारण के लिए सोमवार का प्रदोष, और आयु और आरोग्य की वृद्धि के लिए रविवार का प्रदोष बहनों भाइयों बहुत महत्वपूर्ण होता है। विधि विधान जानने के लिए कुछ प्रकाशक प्रदोष की पुस्तकें निकालते हैं, छापते हैं, वो पुस्तकें खरीद लें और विधि विधान उससे देख करके और उसी के अनुसार आप इस व्रत को करें। बहनों भाइयों, इस दिन सायंकाल के समय शिव जी का पूजन करके दो घड़ी रात बीत जाने के बाद एक बार भोजन करना चाहिए। बहनों भाइयों, एकादशी का व्रत और प्रदोष का व्रत, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण व्रत माने गए हैं। अगर ईश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है, शक्ति दी है, तो मेरा निवेदन है कि जब भी शुभ मुहूर्त आप देखें और मन में इच्छा हो, अनन्य भाव हो, तो इन व्रतों को करें। इनके करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और ईश्वर की अनंत कृपा उसको प्राप्त होती है, और जिसको ईश्वर की कृपा बहनों भाइयों मिल जाए तो फिर इस दुनिया की कृपा उसको मिले चाहे न मिले, ईश्वर की कृपा अगर मिल गई तो सारा संसार उसका अपना हो जाता है, सारे संसार का व्यक्ति उसके लिए उसके अनुरूप हो जाता है, अनुकूल हो जाता है। और जिस पर ईश्वर की कृपा नहीं होती उसके अपने और पराए कोई भी साथ नहीं देते हैं। बहनों भाइयों, आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, ईश्वरीय कृपा आपके परिवार तक पहुँचे,
जीवन में तरक्की करें, आपके कष्ट दूर हों। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।